तो देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में शुक्रवार को एक ऐसी घटना सामने आई जिसने मानवता को तार तार कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में बेघर बुजुर्गों को जानवरों की तरह एक ट्रक में भरकर शहर के बाहर छोड़ने की घटना सामने आई है। इस घटना के संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 3 लोगों को निलंबित कर दिया है। और आपको बता दें कि दरअसल शुक्रवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें इंदौर नगर निगम की एक गाड़ी बेघर बुजुर्गों को शहर के बाहर देवास हाईवे पर सामान समेत छोड़ने पहुंची थी। हालांकि दोनों लोगों के विरोध के चलते गाड़ी बुजुर्गों को वापस लेकर वहां से चली गई। बताया जा रहा है शहर के बाहर इंदौर देवास हाईवे पर नगर निगम का ट्रक कुछ बेसहारा और बेघर बुजुर्गों को लेकर पहुंचा और उन्हें निगम कर्मी ट्रक से उतारने लगे और इसी दौरान स्थानीय लोगों ने निगम कर्मियों से शहर से बाहर यूं हाईवे पर छोड़ने की वजह पूछी तो निगम कर्मी कोई साफ जवाब नहीं दे सके। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।